दिस इज साईगांव वाटर ग्राउंड। ट्रीज आर जस्ट अमेजिंग हियर, सो यू कैन गो एंड बाय टिकट्स हियर एंड देयर। Again, one more restaurant with a beautiful view and beautiful flag. Yeah, I just love this flag. Vietnamese flag is just amazing. Okay, so it's like हमारे शिवाजी महाराज और उनकी तरह ही ट्रेन हम गाँव करके एक स्टेशन है उनका, मे बी यहाँ के वॉरियर होंगे, सो इट्स लाइक दैट। लेट्स मूव अहेड टू द ब्रिज, सी वी कैन क्रॉस द ब्रिज बाय आवर सेल्फ और नॉट। सो दिस इज द डेजलिंग व्यू ऑफ दिस सिटी एंड आई होप यू आर गोना लव इट। बहुत ही शानदार, बहुत अमेजिंग है ये सिटी, आपको बहुत पसंद आएगा। हो ची मिन्ह सिटी और बहुत ईजी है आना, यू कैन टेक डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, एनीवेयर एंड यू कैन गेट द वीज़ा इन 2-3 डेज, मोस्ट प्रोबेबली 4-5 डेज आपको मिल जाता है, सो आप ले सकते हो वीज़ा। और आई विल से एक अच्छी कंपनी से लो, उनसे सब पूछ के ही आप बुक करो, अगोड़ा से बुक कर सकते हो आप, सबसे अच्छा मैं वही कहूँगा। और रिटर्न फ्लाइट भी रहेगा तो अच्छा है, वैसे इमिग्रेशन में कुछ पूछते नहीं है, पर यहाँ का जो सिस्टम है इमिग्रेशन का, सिटी की वाइब से बिल्कुल डिफरेंट है। सिटी आपका बहुत खूबसूरत है आप जैसा कि देख रहे हो, और जब इमिग्रेशन में आप आते हो तो वहाँ का जो लेवल है वो क्वाइट डिफरेंट है, तो ये आपको चीज़ को ध्यान रखना होगा। बट अभी डेवलपमेंट चल रहा था वहाँ पे, डेवलपमेंट चल रहा है और शी इज़ जस्ट अरेंजिंग सीट्स फॉर देयर फैमिली एंड दिस इज़ द बस स्टॉप हियर। आजकल मुंबई के बस स्टॉप भी ऐसे बन गए हैं, बेन जी बोयट टी बस स्टॉप लिखते हैं इंग्लिश में, बट बिलीव मी इंग्लिश किसी को नहीं आती है, मे बी इंग्लिश में नहीं वियतनामीज में लिखा हो। आप जब भी इनसे इंग्लिश में बात करेंगे तो ये ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं कि आपको रिप्लाई नहीं देंगे, दे विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, बट they use the translator basically. Yeah, we do. So it's like that. Oh, not that you. They're gonna play something. They're just digging there. Oh, they got the fish. There are so many fishes maybe. Now they're gonna fry it. Oh, no, they can fry it here maybe. They are planning to do so. And wow. So as you can see, this is gonna end soon, but मन नहीं लग रहा है अभी, इतना मजा आ रहा है कि ये एंड ही ना हो, ये रास्ता इतना शानदार है। हो ची मिन्ह सिटी का ये पहला एक्सप्रेशन है, मॉर्निंग में आया था, हमें एयरपोर्ट से ट्रेवल किया, कुछ लोकल मार्केट्स में गया जहाँ पर मैंने देखा, जैसे इंडिया में मुंबई में आप मेन सिटी मेन रोड से हट के अंदर जाते हो तो वो जो आपको व्यू दिखता है, तार लटके हुए हैं, लोकल इधर उधर उनकी शॉप्स, मतलब उस क्वालिटी की नहीं बट यहाँ पर थोड़ा अच्छा है, लेकिन वैसा ही व्यू आपको देखने को मिलेगा मेन रोड से हट के थोड़ा सा अंदर। बट जो मेन रोड इन्होंने डेवलप किया है, आई थिंक इंडिया शुड बी डू इट अगेन, अभी मुझे लग रहा है इंडिया भी सेम फॉलो कर रहा है, मेन रोड सबसे ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, जो कि एक अट्रैक्शन का रीज़न बनता है, क्योंकि कोई भी
सिटी को इतना अंदर से एक्सप्लोर नहीं करता, जो मेन रीजंस है, जो मेन मॉन्यूमेंट्स है उन्हीं को एक्सप्लोर करता है। तो उसके अंडर में आप अच्छे से बना दीजिए लाइक दैट, तो आपको कभी भी पता नहीं लगेगा सिटी का रियल कैसा है। बट हाँ, थोड़ा सा मुंबई से मिलता जुलता था, और आई मस्ट से बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, आपको तो घूमना ही है। सो व्हाई डू यू वांट टू एक्सप्लोर इनसाइड? इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर इनसाइड यू कैन गो, बट जो बाहर से आप देखोगे तो सबसे अमेजिंग आपको यही दिखेगा। ये आ गए हम ब्रिज तक, और ये रूट देखिए, अभी ये इंडिया में भी कर रहे हैं, तो आई थिंक इंडिया को यहाँ से बहुत कुछ टेक कर सकता है। जो हमारी बड़ी सिटीज़ हैं, हो ची मिन्ह सिटी एक बड़ी सिटी है, आप देख सकते हो स्काईलाइन कितनी गजब है, और उसके काफ़ी व्यूज़ आते हैं। वहाँ इन्होंने एक होर्डिंग लगा रखा है, पैड चल रहा है, यहाँ एक होर्डिंग है, और यहाँ फिश ईजिली मिल जाएगा आपको, तो फिश आप ले लीजिए और यहाँ पे स्टार्ट कीजिए अपना। सब फिश कर रहे हैं फिशिंग, तो इतना दूर तक अभी कोई आया नहीं है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता क्योंकि मेरे पीछे भी कोई नहीं है। बट मैं आपको सीधा लेकर जा रहा हूँ इस ब्रिज तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए नोमेड अनुराग को, और ये थर्ड वीडियो है और कंटिन्यूएशन में रहेगी ये वीडियोस, तो ज़रूर चेक कीजिएगा 1-2-1 बैक टू बैक वीडियोस। और जो मैंने आपको जानकारी दी है उसको ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट 1 में आता है ये मेनली, और आपको इजीली मिल जाएगा, आप ऐसा मत सोचना कि नहीं मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे ओपन ही है। मैं भी रैंडमली चलते चलते आया था और एक बीच में एक शॉप मिला, मैं उसकी आपको शॉर्ट्स वीडियो डालूँगा, जिसमें जैसे अपना दलिया नहीं होता उसको आइस के अंदर डाल के वैसा ही कुछ वो दे रहे थे, और वहाँ पे इतनी लाइन लगी हुई थी, और मुझे टेस्ट करने का मन हुआ तो मैंने टेस्ट किया, इट्स लाइक अ दलिया जैसा ही था अपना, और वाओ। तो वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा अभी, इट्स लाइक 7-8 मिनट्स हो चुका है, और ये हमने पूरा रिवर फ्रंट क्रॉस कर लिया है। अब आप देखोगे तो इंडिया में भी कई सारे रिवर फ्रंट बन रहे हैं, अहमदाबाद में बनाया गया है, सबसे बेस्ट अभी कोटा में आप बनाया गया है, तो कोटा का जो है वो बहुत अमेजिंग बना रहे हैं। बट उनको देखो, इनको देखो, थोड़ा लाइटनिंग और ये सब हमारा कल्चर के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। बट इनका भी ऐसा कोई एक पर्टिकुलर कल्चर नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसको बस अट्रैक्टिव बना रहे हैं कि कोई भी आए तो वो कल्चर न तो देखे ही सही, साथ में वो अट्रैक्टिव भी फील करें, उससे रिलेट भी करें कि हाँ ये मैंने देखा है अपने आप ही, और ये देखकर बहुत खूबसूरत लग रहा है, लाइटनिंग्स ये सब। तो कल्चर पे हमें डेफिनेटली वर्क करना चाहिए, साथ में अट्रैक्टिव पावर को भी बढ़ा के ही करना चाहिए। ये ब्रिज है, सेम एक कोटा में भी ऐसा ब्रिज है, तो मैं यहाँ पे हो ची मिन्ह सिटी को एक कोटा से रिलेट कर सकता हूँ, कोटा एक राजस्थान में सिटी, एजुकेशन सिटी, और डेफिनेटली मैं कहूँगा कि इस तरह वो डेवलप हो, ब्रिजेस और ये सब, और कलर्स, लाइट, लाइटिंग, यू कैन सी एक अलग ही वाइब्स आता है, आपको ये वाइब्स ऐसा हर जगह नहीं मिलेगा, तो दे शुड डेवलप लाइक दैट। और अब कितना टाइम लगेगा वो हमें, राजस्थान को अपनी सिटीज़ को भी ऐसे डेवलप करना चाहिए, गुजरात को, हर एक को, इससे भी अच्छा, इवन बैंकॉक भी बहुत अच्छा है। बट मैं कहूँगा बैंकॉक में जो रात में चलने में इतना मज़ा नहीं आया था जो यहाँ पर आया, वाओ, दे है जस्ट डेवलप मच बेटर देन दैट, रिवर फ्रंट बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।